हे पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अभी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूँ। याद करो अपना बचपन, उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहाँ है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा, आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है।